नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर मुरैना से। मुरैना के केलारस तहसील प्रांगण में जोरा सबलगढ़ के विधायकों ने अभिभाषक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में केलारस की तहसीलदार शारदा पाठक, श्रीनिवास त्यागी, राम गोविंद शर्मा, जोरा विधायक मान्य श्री बनवारी लाल शर्मा, सबलगढ़ विधायक एडवोकेट ब्रजनाथ कुशवाहा, ब्रजमोहन मुरैना, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र कुश शुक्ला, नगर परिषद कैलाश के उपाध्यक्ष नंदकिशोर शर्मा, साबिर पठान, ओम प्रकाश शर्मा, अशोक सोलंकी, लज्जाराम, बी के त्यागी पटवारी, सरपंच डोंगरपुर किशोर शर्मा, संजीव ब्रजमोहन सिंह सहकारी शक्कर कारखाने के श्रमिक वेतन भोगियों को किसानों के गन्ने का भुगतान के विषय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने में साबिर पठान, ओम प्रकाश शर्मा, बनवारी लाल आदि लोग मौजूद रहे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए जितेंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत डोंगरपुर मानगढ़ के सरपंच द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का सोल व श्रीफल एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा आपको भरोसा दिलाएंगे। इस मौके पर अभी विधायक जी मुझसे बार बार कह रहे थे, मार रहा था कि 11 बजे मुझे यहाँ से फ्री कर देना, लेकिन मैंने उनको लेट कर लिया, मेरी वजह से ये 12 बजे आए हैं। इन्हें अभी एक बड़े कार्यक्रम में जोरा में जाना है, भालू इंतजार कर रहे हैं। अभी मैं जब बात कर रहा हूँ अभी मुझसे कह रहे हैं जल्दी करो, मुझे जोरा विधायक यही रहते हैं। जब भी आपको जो जरूरत हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के लेवल का मामला हो, चाहे कलेक्टर के स्तर का मामला हो, हम आपसे बिल्कुल रत्ती भर बैठे नहीं रहेंगे। जितना हमसे बन पड़ेगा हम उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। हम आपको अभी जो वकीलों का एक बैठने के लिए जो भवन है उसका लोकार्पण हुआ है। ये जोरा विधानसभा क्षेत्र में है। ऑलरेडी बनवारी लाल जी जाप था, यहाँ के विधायक हैं, तो वकीलों ने भी ये उच्चे समझा कि मुझे भी बुलाया जाए, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया, हम दोनों विधायक यहाँ। ये मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, भले मैं यहाँ का विधायक नहीं हूँ लेकिन ये तहसील मेरी गृह तहसील है, तो इसलिए वैसे ये शासन का नियम है कि एक विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा में कई काम नहीं दे सकता है, लेकिन 5,000 तक का नियम है, 5 लाख तक का। तो 5 लाख रुपए उन्होंने मांग की है कि इससे और आगे टीन सेट हो जाए और कोई दूसरा भवन बन जाए, बरंडा वगैरह बन जाए। तो उसके लिए जब मुझसे कहा तो मैं तो क्योंकि कैलाश के लिए तो किसी सूरत में पीछे नहीं रहने वाला, जो मुझसे मांगेगा जो मैं कर सकूंगा वो कैलाश के लिए करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो मैंने अभी 5 लाख की घोषणा कर दी है, और इसके अलावा जो ऊपर का पैसा है जितनी जरूरत पड़ेगी, वो बनवारी लाल जी ने कहा है कि इसके ऊपर जितनी जरूरत पड़ेगी उस भवन में बनाने में वो मैं दे दूंगा। बाकी एक ज्ञापन आया है, उस ज्ञापन में बहुत सारी उन्होंने तहसील में जो कमियां हैं उनके बारे में 8 बिंदुओं का एक ज्ञापन दिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिया। उसमें 3-4 बिंदु तो कलेक्टर स्तर के हैं, तब उनसे जाकर के उनका निपटारा कर लेंगे। बाकी 1-2 बिंदु में राज्य स्तर के हैं, तो वहां भी हम जाकर के दोनों भाई जाएंगे तो वहां जाकर के उसको निपटा लेंगे। बाकी कैलार से तहसील की जो भी समस्या होगी हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं जाएंगे, उसे पूरा करेंगे। और इसके अलावा अभी हमारी सरकार की जो योजना है तो वो अभी मैंने वहां कहा, मैं हर जगह ये कह रहा हूं कि शासन ने जितनी योजनाएं जो पहले थी वो सारी की सारी योजनाएं बीजेपी ने ऐसे जटिल कर दी हैं के लोगों को उस योजना का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। इतने उनको कठिन करा दिया है कि कई ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, प्रतिनिधियों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो उस तरह से वो शासन की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे। तो हमारी सरकार ने सारी जितनी योजनाएं चल रही है इस देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में, उनका सरलीकरण करने के लिए जितना हो सके उसको सरल बनाने की पूरी कोशिश की है। जैसे अभी वृद्धावस्था पेंशन की बात है, तो जिसकी उम्र 60 साल हो गई है उसको मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति विशेष धर्म का है, चाहे उसका बीपीएल सूची में नाम है या नहीं है, जिसकी उम्र 60 हो गई है उसको मिलेगा घर बैठे। इसी तरह से अभी ये जाति प्रमाण पत्र की बात आई कि 2 महीने में मिलता है, अब जरूरत है किसी छात्र को अभी 15 दिन में, 1 दिन में कोई आवेदन है उसको कहीं करना है, कहीं नौकरी जगह निकले, तो अब 2 महीने के लिए वो बैठा रहेगा तो बेचारा अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बात हमें बताई, अच्छी बात है, हम इसको अभी सरलीकरण के लिए अपनी सरकार के समक्ष रखेंगे, आदरणीय कमलनाथ जी के बीच में ये बात हम रखेंगे। और बाकी तमाम सारे जो अधिकार हैं बीजेपी ने हमारे प्रतिनिधियों से छीन लिए हैं। हमने अभी विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत राज अधिनियम का जो संशोधन किया है, उसमें दिग्विजय सिंह के समय के जो अधिकार थे पंचायतों को, वो सारे के सारे अधिकार फिर वापस मिल रहे हैं। इस समय सरपंचों को ऐसा बना दिया कि सरपंच 1 रुपये की घोषणा नहीं कर सकता है,
बहुत सारे सरपंचों को तो जहर खाके मरना पड़ेगा, उनकी कुड़की होगी। इस तरह के नियम और कानून बना दिया है, पहले सबसे खरंजा बनवा लिए, नालियां बनवा ली है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहुंच गया सरपंच, उनको जहर खाना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने जमाने के उसके अधिकार थे दिग्विजय सिंह के समय पे, मूल्यांकन के अधिकार, बंटवारे के अधिकार, नामांतरण के अधिकार, सीमांकन के अधिकार, फाइनेंशियल पावर, चेक पावर, जो भी कुछ थे, सारे के सारे अधिकार फिर दोबारा पंचायत प्रतिनिधियों को मिलने वाले हैं। ये हमारी सरकार बड़ा चाहे जहाँ के काम वहीं के भी निपट सके, भोपाल किसी को चक्कर नहीं लगाना पड़े। अभी बीजेपी के लोग बड़े चिल्लाए थे विधानसभा के अंदर का ये उद्योग का उद्योग खोल दिया, इसका ट्रांसफरों का उद्योग है, ये उद्योग चला दिया, बड़ा धंधा हो रहा है, या पूरे भोपाल में न होटल खाली है, न भोपाल एमएलए रेस्ट हाउस खाली है। तो मैंने खुद कहा था विधानसभा के अंदर खड़ा होकर के, मैंने कि ये तुम्हारी नीति के कारण हुआ है। हमारी जब सरकार थी तो ट्रांसफर भी वहीं होते थे, मूल्यांकन भी वहीं होते थे, और नियुक्तियां भी वहीं होती थी, और तब जो भी जो कुछ वहीं होता था। आपने सारे पावर छीन करके प्रदेश सरकार के पास रख लिए, तो ये भीड़ तो होगी होगी।